बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक नई वेबसाइट के बारे में सीखेंगे कि उस वेबसाइट पे आप अपनी पिक्चर्स को, अपने वीडियो क्लिप्स को और फुटेज वगैरह को किस तरीके से सेल कर सकती हैं और उस पे आप अर्निंग कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है artgrid.io के पे। यहाँ पे आपके पास ये लिंक शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आने के बाद आपने करना क्या है, जस्ट इसको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये वेबसाइट बेसिकली है क्या। ये वेबसाइट है, इस पे आप मुख्तलिफ किस्म की फ़ुटेज वगैरह सेल कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे क्लिप्स हैं, ठीक है, और इस क्लिप्स में आप जो है वो कुछ भी अपने मोबाइल से या DSLR कैमरे से, या अगर बहुत ज़्यादा अच्छी इस पर आपकी है तो आप इसको एडिट करके अपलोड वगैरह कर सकती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपने करना क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो रिक्वायर्ड क्या करते हैं, कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं artgrid.io पे। यहाँ पे आपने लेफ़्ट साइड पे अगर देखना है, 3 लाइंस आ रही होंगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है बिकम अ फिल्म मेकर, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद आपके पास वो सारी चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप डाउन आते हैं तो यहाँ पे जो मेन ऑप्शंस है वो प्रोडक्शन के हवाले से है, ठीक है। सिनेमैटिक फोटोग्राफी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप एनिमेशन और CGI आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जिसमें कार्टून्स वगैरह या मुख्तलिफ किस्म के TV कमर्शल वगैरह बनते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा कि वो बिस्किट्स के होते हैं या पेंट्स के होते हैं, कुछ भी इस तरीके से आर्टिस्ट जो एड्स होते हैं वो, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिएटिव फ्रीलांसर जो है वो, मतलब कि आपने ये सारी चीज़ें, आप ज़्यादा सी बात है जो फोटोग्राफ़र है, ठीक है, वो उसको एज़ अ फ्रीलांसर भी वो वर्किंग इसमें करेंगे, ठीक है, एज़ अ फ्रीलांसर है, कोई आपके पास टाइमिंग की वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे वो क्या कहता है कि गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर फुटेज, कि आप अपने जो है वो फुटेज से क्या कर सकते हैं, ठीक है। कीप योर राइट्स, कि आपके पास फुल अथॉरिटी है कि ये आपकी चीज़ है, यू कैन शेयर इट एनीवेयर, आप यहाँ से उसको जो है ना वो जहाँ मर्जी आप शेयर कर सकते हैं। रेवन्यू है, जॉइन द ग्रोइंग फुटेज लाइसेंस मार्केट एंड टैप इन टू अ होल न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी मोशन अरे वाली या ये वाली, इस पर आपने दोनों पे सेम वर्किंग नहीं करनी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपने इस पर वर्किंग करनी है, चाहे वो artgrid पे हो या चाहे वो मोशन अरे पे हो, इन दोनों पे अगर आपने, मेरी सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा काम करें दोनों पे अलग अलग से, जोन सा भी आपको सूट करता है उसमें ज़्यादा ऑप्शन हैं वो मोशन अरे में, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव एक जो है वो लाइन पे ये चलती है artgrid, तो दोनों पे आप थोड़ा थोड़ा काम करें, और दोनों पे जो काम करना है आपने अलहदा से अपलोड करना है, ठीक है। तो जब आप लॉयल होके ये काम करेंगे, क्योंकि जब आप इस पर करेंगे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट्स है, मतलब कि आपके पास जो एसेट्स हैं या आपके पास जो फुटेज हैं वो अपलोड करेंगे, तो ये श्योरिटी आपने इनको देनी है कि ये फुटेज जस्ट आपकी ही वेबसाइट पे अपलोड है, ना आपने यूट्यूब पे उसको रखना है, ना किसी और चीज़ पर, किसी जगह पर भी आपने नहीं रखना, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ये नहीं है कि YouTube पे बनाई चीज़ YouTube पे फेंकी, Instagram पे भी, सारी जगहों पे भी वो कर दी, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो ये चीज़ें देख लेनी है। अगर हम एक दो वीडियो देख ले, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बंदा है, ठीक है, ट्रैवलर है, तो इसने यहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह बनाई होंगी, ठीक है, ये देखिए artgrid की ऑफिशियल है, ये खुद अपलोड करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज आपने आके ये देखें, ये आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ब्रैड डे और ये भी हैं, तो इन्होंने खुद जो है ना वो अपने यूट्यूब चैनल पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपकी फुटेज जस्ट जो है वो इन्हीं की ही प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, तो ये बात आपने इनकी श्योरिटी देनी है। अच्छा, उसके बाद आप हम आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ के बटन पे करना है क्लिक। स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने वो क्या कह रहा है कि सबमिट योर फुटेज, फुल नेम देना है, ईमेल, कंट्री,
आप हैं क्या, वो आपने बताना है, और आपके बारे में कुछ जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देना है। उसके बाद अगर आपके पास 4K कैमरा है, मीन्स के DSLR, या आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल है जहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो आप इसको यस कर दें। अच्छा, सबमिट फुटेज है, 4 लिंक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज़ शेयर योर फुटेज दैट इज़ अवेलेबल फॉर लाइसेंस, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो आपका जो है वो होना चाहिए, वो लिंक आपने दे देना है। यहाँ पे 6 लिंक्स आप जो है 4 to 6 लिंक्स आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। आई हैव फुली राइट टू द फुटेज, ये आपने जो है वो इनको श्योरिटी देनी है कि ये फुटेज मेरी अपनी है, क्योंकि जो आप लॉयल होकर काम करेंगे तो आपको इनकम अच्छी जनरेट होगी। अच्छा, उसके बाद नन ऑफ दिस फुटेज इज़ अंडर एक्सक्लूसिव इन अनदर प्लेटफॉर्म, ये समझ आ रही है आपको, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था। इसको भी आपने क्लिक करके आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये रिव्यू करेंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और उस तरीके से आप जो है ना वो अच्छी खासी इनकम स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें यूट्यूब पे तो ये होता है ना कि जो जितने व्यूवर्स होंगे वो आपको करेंगे, जो यहाँ पे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है। स्टार्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, इस पे चीज़ें अपलोड करना शुरू कर दें जिनको अच्छा लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपका रिस्पॉन्स जो है ना वो आता जाएगा, और फिर इंशाल्लाह आपकी एक अच्छी इनकम यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। जिन्होंने जिनको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरी वीडियोस को देखते हुए, किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझसे रابطہ कर सकते हैं, और नीचे 2-3 और लिंक है जिसमें टिकटॉक और स्नैक आईडी का है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।